जादू से इन कर्टन्स को कर देता हूँ ओपन। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रेस किया ओपन। हो गया ना फ्रेंड्स, मैजिक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्मार्ट कर्टन रोबोट के बारे में। तो चलो, हाँ तो गाइज, ये है वो स्मार्ट कर्टन रोबोट। इसे मैंने 10,000 में रिव्यू के लिए मंगाया था, लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो मैं डिस्काउंटेड प्राइस में भी सेम बॉक्स सेंड कर सकता हूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, लिंक इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी फटाफट देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या चीज मिलती है। तो मैं इसे यही आपके सामने ओपन करता हूँ। इसके ऊपर लिखा है स्मार्ट कर्टन रोबोट, और जैसे ही हम बॉक्स खोलते हैं तो यहाँ पर ये इसका यूजर मैनुअल निकल कर आता है। उसके बाद में ये दो रोबोट्स आपको मिल जाते हैं, रोबोट यूनिट। उसके बाद में यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर, बाकी तो ये खाली है, इस बॉक्स के अंदर क्या है देखते हैं। इस बॉक्स के अंदर इसे हमारे कर्टन के ऊपर, कर्टन का जो रॉड होता है उसके ऊपर फिक्स करने के लिए अटैचमेंट्स मिल जाती है। उसके पहले तो ये USB-C टाइप की केबल है, इसे चार्ज करने के लिए यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है। और ये वाली जो अटैचमेंट्स है इसकी बात कर रहा था मैं, ये हमें मिल जाती है टोटल चार। एक रोबोट को दो लगती है तो दो रोबोट के हो गए चार, बाकी ये बॉक्स भी है खाली। इसे इस रोबोट के ऊपर अटैच करना बहुत ही सिंपल है। ये जो है सेंसर यूनिट या चार्जिंग यूनिट, उसके साइड आपको इसे फेस करना है और एक साइड पर लगा देना है। सिमिलरली इसका जो दूसरा साइड है वो आपको ऐसे लगाना है। आप चाहे तो उल्टा भी लगा सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन यही इसका सही कॉन्फिगरेशन है। यहाँ पर है इसकी मोटर, और इसके नीचे भी आपको दो व्हील्स मिल जाते हैं ताकि ये रॉड के ऊपर प्रॉपरली स्लाइड हो पाए। आप ऐसा उल्टा भी लगा सकते हो, बट मैं इसे लगाता हूँ सीधा, और ये लगा दिया सेकंड। ये चार्जिंग केबल से आप सीधा इसके अंदर इसे डालकर चार्ज कर सकते हो। जैसे ये चार्ज हो जाता है तो यहाँ पर ग्रीन लाइट लगती है, चार्जिंग के समय यहाँ पर रेड लाइट लगती है। सिर्फ सिंगल प्रेस से हमें इसे ऑन करना है। देखिए, सिंगल प्रेस किया, यहाँ पर ये ब्लू कलर की लाइट है वो लग जाएगी और ये हो जाएगा ऑन। ऑफ करने के लिए इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है जब तक ये ब्लू लाइट पूरी तरह बंद नहीं हो जाए। अभी इसे फोन के साथ कैसे सेटअप करते हैं और फोन से कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है स्मार्ट लाइफ ऐप। स्मार्ट लाइफ ऐप डाउनलोड करके आपको उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, वो जो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आपको यहाँ पर लिंक में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनकी प्राइस मार्केट में फिलहाल कितनी है। अमेजोन पर मैंने इसे सर्च किया था तो सिर्फ एक यूनिट, ओनली वन यूनिट, ये सिंगल पीस आपको 7,500 मतलब 7,728 रुपीस का मिल रहा है। और गूगल पर भी आप सर्च करोगे तो बहुत महंगे महंगे पीसेस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दो पीसेस हैं जिन्हें मैंने 10,000 में खरीदा था। आपको डिस्काउंटेड प्राइस में अगर ये सेम बॉक्स चाहिए, कम्प्लीट बॉक्स, तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हो, मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस में सेम पीस दे दूंगा। और टेस्टिंग भी इनकी अभी आपके सामने हो ही जाएगी, तो आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। स्मार्ट लाइफ ऐप ओपन करने के बाद अभी इसका जो पेयरिंग प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें इसका ब्लूटूथ ऑन करना है, आईफोन का या आप एंड्रॉइड जो भी यूज कर रहे हो उसका ब्लूटूथ सबसे पहले ऑन कर देना है। उसके बाद में ये प्रोडक्ट्स आपको कर देने हैं ऑन। जैसे ही ऑन करते हो यहाँ पर आपको ऐड डिवाइसेस पर क्लिक करना है। ऐड डिवाइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है डिवाइस डिस्कवरिंग डिवाइसेस, और यहाँ पर डिटेक्टेड डिवाइस आ गई है, तो यहाँ पर इसे ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मार्ट कर्टन रोबोट इज गेटिंग एडेड, और ये ऐड हो चुका है। साथ ही साथ एलेक्सा का भी एक मैसेज आ गया है, एलेक्सा ऑटोमेटिकली कनेक्टेड विद द स्मार्ट लाइफ स्किल। एलेक्सा से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वो किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर इसे रीनेम भी कर सकते हो, अगर आपको जो भी नाम देना है यहाँ पर आप इसे इसका नाम चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल कर्टन ही रखता हूँ, अभी करता हूँ डन पर क्लिक, और यहाँ पर ये इंटरफेस हमारे सामने खुल गया है। तो अभी आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं ऑपरेट करता हूँ ये दोनों के दोनों मोटर्स चलने लग जाती है। बहुत ही सिंपल था दोस्तों इसका कनेक्शन प्रोसेस। तो अगर मैं सेटिंग में जाके इसे कर देता हूँ रीसेट कंफर्म। बाय द वे ये जो दिख रहा है आपको ये LDR सेंसर है, तो बेसिकली ये लाइट भी डिटेक्ट करता है कि आप यहाँ पर सेट भी कर सकते हो कि अगर लाइट 20% से ज़्यादा है या कम है तो आपको कर्टन ओपन चाहिए क्लोज चाहिए। साथ ही साथ टेम्परेचर भी इसमें है, टेम्परेचर अगर इतने डिग्री से बढ़ गया या कम हो गया तो आपको कर्टन्स ओपन चाहिए या क्लोज चाहिए। बट ये फीचर्स तो मैंने यूज़ नहीं किए हैं,
उसके बाद टाइमर का भी फंक्शन मिल जाता है, आप कितने बजे कर्टन ओपन रखना चाहते हो, कितने बजे उसे क्लोज करवाना चाहते हो, उसका भी टाइमर यहाँ पर सेट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि इन्हें कैसे हम हमारे कर्टन पर इंस्टॉल कर सकते हैं, मोबाइल से पेयर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। इसे मैंने रीसेट कर दिया है और अभी हमें इसे करना है इंस्टॉल हमारे कर्टन के ऊपर, और उसके बाद हमें इसे सिखाना है कि हमारे कर्टन की रेंज कितनी है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है कि हम जाते हैं हमारे कर्टन के ऊपर, रॉड के ऊपर, और उसे करते हैं इंस्टॉल। तो सबसे पहले आप एक तो ये साइड या ये साइड, कौन सी भी एक साइड निकाल लो, यहाँ पे प्रेस करना है और निकाल लेना है। और उसके बाद में ये एक यूनिट आपको, अब ये आप बाहर की साइड भी फेस करवा सकते हो, अंदर की साइड भी फेस करवा सकते हो, ऐसे डाल के स्लाइड में या फिर ऐसे डाल के ऐसे लगा देना है, क्योंकि ये यहाँ पर स्प्रिंग होती है तो आपका रॉड जितना मोटा रहेगा या पतला रहेगा उस अकॉर्डिंग ये लग जाएगा। उसके बाद में दूसरा वाला यूनिट यहाँ से आपको इसके अंदर डालना है और अभी इन दोनों यूनिट को जॉइंट कर देना है आपस में, इसे थोड़ा सा पुल करना है और ये हो गया है जॉइंट। तो इस तरह से आपको इंस्टॉल करना है। अभी कर्टन का ये जो पोर्शन होता है इसके अंदर साइड आपको इंस्टॉल करना है ताकि ये जो रोबोट है वो बाहर किसी को दिखे ना। अगर आपको करना है तो यहाँ पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, उस केस में आपको रोबोट दिखाई देगा। इन दो पोर्शन के बीच में यहाँ पर इस रोबोट को लगा सकते हो। निकालना भी बहुत ही सिंपल है, ये देखिए यहाँ से पुल किया, ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। तो अभी इन दोनों रोबोट्स को मैं कर्टन के सेंटर में लगाता हूँ क्योंकि सेंटर से ही कर्टन साइड में जाने वाले हैं। अभी दूसरी साइड लगाते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों इसका इंस्टॉलेशन, इसके लिए आपको किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, आप खुद ये कर सकते हो। और ये दोनों रोबोट लग जाने के बाद आपको इसे करना है ऑन ताकि आप आपके इसमें मोबाइल में इसे कंट्रोल कर पाओ। तो जैसे ही हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट लगने लग जाए। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कर्टन रोबोट लगाने के बाद अभी आपके हाथ से इस कर्टन को ओपन नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर सकते हो और कुछ भी ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए तो फ्रेंड्स अभी हमने सेटअप कर लिया है। जैसा ही हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं यहाँ पर कर्टन भी लिख के आता है, और जैसे ही हमने इसे ओपन कर लिया यहाँ पर स्टार्ट स्टडी लिख के आएगा, क्योंकि आपके कर्टन को ये सीखना जरूरी है कि उसकी लिमिट कहाँ तक है, स्टार्ट लिमिट कहाँ पर है और एंड लिमिट कहाँ पर है, तो ये आपको उसे सिखाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसे लेफ्ट करेंगे, हमें इसे लेफ्ट ही करना है क्योंकि हमने इसे प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन में लगाया है, ये वाला राइट जाएगा और ये वाला लेफ्ट जाएगा। अगर अपोजिट जा रहा है तो आप सेटिंग में जाके वापस रीसेट करके इसे कैलिब्रेट कर सकते हो, वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे लेफ्ट पर करके देखते हैं स्टार्ट स्टडी। जहां तक आपको लगता है इसे ओपन होना चाहिए, होने के बाद आपको करना है स्टॉप स्टडी। तो जैसे ही आप स्टॉप स्टडी करते हो वहां पर जाकर ये रुक जाएगा एंड यहां पर लिख के आएगा लर्निंग टू कंप्लीट, कंप्लीट हो गया है। अभी यहां पर लिख के आया है ये ओपन है, दैट मीन्स द कॉन्फिग्रेशन इज राइट। अभी हम इसे क्लोज करके देखते हैं। बाय द वे फ्रेंड्स, मेरे जो कर्टन्स है वो यहाँ से थोड़े से टाइट है, इसलिए इसे क्लोज होने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अदरवाइज अगर आपके कर्टन्स यहाँ से स्मूथ होंगे तो ये डिवाइस प्रॉपरली क्लोज हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और जहाँ से स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट वहीं पे आके ये क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर मेरे कर्टन्स थोड़े से आप देख सकते हो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है इनमें। अगर आपको इसे थोड़ा सा ही ओपन करना है बीच में तो वैसे कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। एक बार ओपन किया और मैं चाहता हूँ कि बस यहीं पर ये ओपन रहे, तो ए जे ए आर पर आप क्लिक कर दो तो वहां तक के ही ओपन रहेंगे। क्लोज करना है तो यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हो। रीसेट कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाना है, यहाँ पर ऑप्शन है रीसेट का, तो रीसेट पे क्लिक किया, कंफर्म किया, ये हो गया रीसेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। ओके चलो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।